नाजरीन आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुदरत के एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट के खास और इसके भरपूर फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूँ। और वो इंग्रेडिएंट है बादाम। बादाम अल्लाह ताला का बेशकीमत तोहफा है। ये छोटी सी चीज़ बेहतरीन गजाई अज्जा से माला माल है। बादाम ना सिर्फ बहुत सी बीमारियों के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, बल्कि चेहरे की हुस्नो रानाई को भी बढ़ाता है। अगर आप 8 बादाम हर रोज 12 डेज तक खाएं तो आपको इतने फायदे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। 8 बादाम हर रोज 12 डेज तक खाने से आपको कौन कौन से बेशकीमत फायदे हासिल होंगे, ये आप हमारी आज की वीडियो में जान लेंगे। इससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके साथ ही बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड हमारी वीडियो आएगी तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आप रोजाना 8 बादाम खाते हैं तो इससे आपके जिस्म में इंतहाई हैरत अंगेज और मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा होंगी। वो तब्दीलियाँ क्या है आज की वीडियो में जान लें। रोजाना नाश्ते में 8 बादाम खाने से ब्लड प्रेशर मुस्तकिल रहता है, हाई या लो नहीं होता। ब्लड प्रेशर की बीमारियां कम होती चली जाती हैं। तिब में भी इस बात को सजेस्ट किया गया है। अगर मैदे में किसी किस्म की खराबी हो तो रोजाना नाश्ते में 8 बादाम खाने से मैदे का फाइल जल्द ही दुरुस्त हो जाता है। मैदा परफेक्ट तरीके से अपना काम अंजाम देता है। रोजाना 8 बादाम खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। रोजाना बादाम खाने वाले अफराद दिल की कई बीमारियों से बचे रहते हैं और दिल तंदुरुस्त रहता है। बादाम खाने से पट्ठों और जोड़ों का दर्द खत्म होता है, वजन घटा देता है। अगर किसी का वजन तेजी से बढ़ रहा हो तो बादाम इसे खिला दिया जाए, इससे उसके वजन में नुमायां तौर पर कमी आएगी। दिमाग को भरपूर ताकत देता है, हौसला तेज करता है। खासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए बादाम खाना इंतहाई मुफीद है। इससे इनका दिमाग सेहतमंद रहता है और अपने फाइल तेजी से सर अंजाम देता है। अगर लोग दिन भर सुस्ती या थकान महसूस करते हो तो बादाम इस चीज का भी बेहतर तरीके से खात्मा करता है। रोजाना बादाम खाने वाले लोग अपने जिस्म में तवानाई और चुस्ती महसूस करते हैं और थकन या सुस्ती का शिकार नहीं होते। सो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार करें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।